अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लाल मसालेदार चिकन। तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन 1 केजी। सूखे मसालों में हम लेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ग्राइंड करने के लिए हम लेंगे लहसुन, अदरक, हरा धनिया, पुदीना, बादाम और अनियन, प्याज। तो और हमने प्याज और टमाटर को चॉप करके फ्राई करने के लिए रखा है। तो हम सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें दही चाहिए 1/2 लीटर। आप थोड़ी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो हम दही के ऊपर मैरिनेशन में डालेंगे हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हम अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम इसको 1/2 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। फिर हम पीसने के लिए लें, ग्राइंड करने के लिए अदरक, लहसुन, हरा धनिया, पुदीना, बादाम और जो है प्याज को, प्याज और टमाटर को मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको एक अच्छे सा फाइन पेस्ट बनाना होगा हमें। तो फाइन पेस्ट बनने के बाद में देखिए ये पेस्ट इस तरह से दिख रहा है। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 4 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तो इसमें हम दालचीनी डालेंगे, फिर उसमें तेज़पत्ता, 2 इलायची और 2 लौंग डालेंगे। थोड़ा इसको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसमें एक बड़ा सा, अच्छे से देखिए इसको फ्राई होने देंगे हम, फिर इसमें हम कटी हुई प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा अच्छे से हम सॉटे करेंगे, एक हाई फ्लेम पे करेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी डिश है, आप ज़रूर अपने घर में बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो देखिए प्याज, हम थोड़ा प्याज का कलर चेंज हो जब तक उसको थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें जो है हमारा मैरिनेटेड चिकन जो है 1/2 आवर के लिए जो हमने रखा था हम उसको इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसको ऐड करिए इस तरह से। मैरिनेटेड होने की वजह से चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस होता है, मसाले सब उसमें अच्छी तरह से लग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं उसमें आजू बाजू से बहुत ज़्यादा तेल है, जो आप थोड़ा फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसको अच्छे से अब प्याज और ऑयल के अंदर पकाइए। अब इसको अच्छे से भूनिए। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से आप भूनिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अभी भी मुझे घबराहट है, पर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोटिवेशन है जो मुझे इतनी हिम्मत हुई कि मैं आऊँ बनाऊँ ये सब। तो देखिए आप इसको सारा जो भी मसाला था, जो मैरिनेशन का था, सब हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर रखिए और बार बार इसको हिलाते रहिए। और चिकन, अब चिकन में जो पानी होता है उसको थोड़ा कम होने तक और थोड़ा अपने मसाले, अपना जो भी तेल है वो छोड़ने तक उसको हिलाइए। फिर इसमें हम चॉप टमाटो को ऐड करेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से चिकन के साथ अच्छे से मिक्स होने तक इसको थोड़ा भूनेंगे। टमाटर चिकन के साथ पककर सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आ रहे हैं कि हमने ऐड किए हैं या नहीं। फिर हम इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट को भी ऐड कर देंगे। मिक्सर बीच में नज़र आ रहा है, फ्रेंड्स सीख जाऊंगी धीरे धीरे। फिर पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सॉटे करके इसमें हम कलर को ऐड करेंगे। कलर ऐड करना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी दोनों को ऐड करके
इसको अच्छे से एक बार हिलाएंगे और इसको 3 to 4 minutes के लिए फ्राई कीजिए और सीटी लगाकर इसको बंद कर दिए। 3 सीटियों के बाद खोलने के बाद देखिए माशाल्लाह कैसा नज़र आ रहा है चिकन। इसका ऑयल देखिए और चिकन के पीसेस माशाल्लाह बहुत अच्छे से पके थे। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने इसमें 1/2 glass तक के पानी भी ऐड किया था। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं इसको सर्व करूँगी। आप इसको रोटी, चावल, नान सबके साथ इंजॉय कर सकते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। इसका चिकन, इसकी ग्रेवी, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी थी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। और इसका चिकन बस मैंने 3 विजल को लगाया था, देखिए बनकर इतना सॉफ्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।